ये देखिए, आपको लग रहा है ये पानी है पर इसको पीना नहीं है, पानी दरअसल नहीं है, ठीक है। ये है आपको बैटरी एसिड। मैं इसका उपयोग बताने वाला हूं कि मैं इसका क्या उपयोग करता हूं, ठीक है। ऐसे बैटरी का अलग भी पानी आता है जो इसी प्रकार डिब्बा में रहता है, लेकिन वो यहाँ पे बैटरी एसिड के जगह बैटरी वाटर लिखा रहता है, वो अलग बोतल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहा हूं और इसका क्या उपयोग है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये इसका दाम जो है मार्केट में मैं खरीदा हूं 30 रुपए पड़ा है, ठीक है। पहले इसका दाम था 25 रुपए 20 रुपए, लेकिन अब महंगाई बढ़ने के कारण इसका दाम 30 रुपए हो गया, ठीक है। और यहां पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है श्री बैटरी एसिड, ठीक है। 1250 लिखा हुआ है, ऐसे आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी यकीन कर लीजिए क्योंकि मैं सही पढ़ रहा हूं, 1250, ठीक है। पहले इसी टाइप से बैटरी एसिड मिलता था जो 1850 या 1900 के करीब मिलता था, लेकिन वो बहुत हाई, क्या बोलते कि हाई रिस्की था, उसको हाथ पर रखते ही हाथ जलना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब बहुत कब हाथ जलना शुरू कर देता था, मतलब तेजाब जो सुनते हैं ना उस टाइप से मिलता था, लेकिन सरकार ने उसे बंद कर दिया हुआ है, ठीक है। उसके जगह कम क्वालिटी मतलब कम पावर का बैटरी एसिड ही 1250 आया हुआ है। यह अभी 1 लीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसको पीने में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे हाथ पर रखिएगा तो हाथ जलेगा नहीं लेकिन छनछनाएगा, इसे कपड़ा पर रखिए तो कपड़ा जल जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सब फालतू की बात हो गई, ठीक है, मेरे हिसाब से। लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तो मैं भी एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग आप जनरली बैटरी के पानी के रूप में कर सकते हैं, जनरली बना हुआ है बैटरी के इस्तेमाल के लिए। देखिए मैं इसका क्या घरेलू इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे घर में जो बाथरूम होता है लैट्रिन बोलते हैं उसको साफ करने में इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और इसका मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो लैट्रिन था वो जाम हो गया था, इसका जो मल मूत्र जो होता है वो पास नहीं कर पा रहा था और रुक जा रहा था, जाम क्या होता जमा हो जा रहा था, ठीक है। तो उसने मैंने सलाह पे यानी कि जो क्या बोलते कि गार्जियन से या क्या बोलते दुकानदार सलाह लेकर मैं ये लाया हूँ। उनको मैं अपना प्रॉब्लम बताया था कि जब मेरा बाथरूम जो लैट्रिन है जाम हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या उपाय है। तो मैं सोचा था कि लैट्रिन ही बदलना पड़ेगा, लेकिन वो बोला कि नहीं, से ये बैटरी एसिड है, इसका इस्तेमाल आप नल भी जाम हो जाएगा, ठीक है, नल का पानी नहीं पास कर रहा है या नाली का पानी नहीं पास कर रहा है या कोई भी चीज है उसको उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर बाथरूम का इस्तेमाल जो जाम हो जा रहा है इसका इस्तेमाल करके देखिए, तो मैंने किया है बाथरूम को पहले क्या बढ़िया साफ कर दिया है, ठीक है, और उसको पानी जो होता है वो सुखा दिया है, ठीक है, और इसमें इसको आधा करीब आधा डाल दिया हूं, ठीक है। मतलब इसको रात में मैं डाला हूं, दिन में इसलिए नहीं डाला हूं क्योंकि दिन में डालता तो टॉयलेट कोई करता या पानी बहाता तो फिर से इसका असर खत्म हो जाता, दह जाता है, इसलिए रात में इसको रख कर और दिन में देखा हूं तो आप पानी जो बाथरूम में पानी भी और मल मूत्र भी पास होता है और बाथरूम ठीक हो गया हुआ है, ठीक है। तो यही इसका इस्तेमाल है, बाकी और भी इस्तेमाल हो सकता है तो कहिएगा तो मैं रिसर्च करके बता सकता हूँ। देखिए जनरली मैं बाथरूम का या इससे भी जो घर पोछा लगता है, ठीक है, पोछा के लिए तो दूसरा क्लीनर आता है, लेकिन कल पे जो काई लग जाता है, कल हो गया क्या बोलते कि या बाथरूम में उस पर काई लग जाता है घर गांव शहर में, ठीक है, तो उस काई को अगर कांटा वाला जो होता है उससे छुड़ाएगा तो छूटेगा, लेकिन इसको डायरेक्ट छीट दीजिएगा तो ये क्या करेगा, उस काई को हमेशा के लिए मतलब खत्म कर देगा, मतलब उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको यकीन करना है। चलिए धन्यवाद।